अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे हमेशा की तरह भाई। तो आज हम लोग जा रहे हैं, ये देखो ये मुंह छुपा के सरप्राइज, ये रियांशी। और आज हम लोग जा रहे हैं भाई एक रेस्टोरेंट, स्पेशली हमें बुलाया गया है वहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए। तो अंशी जरा आप बताओ कौन सा रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट अच्छा अभी तो सरप्राइज है, तो अभी हम रिवील करेंगे ना थोड़ी देर में। तो अभी हमने क्या सरप्राइज दे दिया यहीं पे, क्या अभी अपनी शक्ल दिखा के? ओ गॉड, ये सरप्राइज मिल गया कि मैं हूँ यहाँ पे बैठी। और बल्लू आप क्या बोलना चाहोगे इस हवाले से? बहुत भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, और हम किसी जा रहे हैं। अच्छा रेस्टोरेंट की आप इतना बता सकते हो कि लोकेशन बता दो किस तरफ है रेस्टोरेंट? बादराबाद पे। जी बिल्कुल, बस सही है भाई, चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो चले मेरे साथ भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, और रेस्टोरेंट का नाम मुझे भी नहीं पता क्या रेस्टोरेंट का नाम। तो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर के सीन। तो आ जाए मेरे साथ, आप चले आगे। अच्छी बात यहाँ की है कि यहाँ पे इंटीरियर भी है और रूफ टॉप भी है। बाहर से तो हमने देख लिया है, अब आप यहाँ पे चेक करें कितना कोई ऐसा लग रहा है वो, कितना बाप कोई क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ इतना प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ पे, मौसम और इतना प्यारा कोई डेकोरेशन हुई है यहाँ पे। इधर आए बहुत आ गए हैं, यहाँ पे देखिए ग्रास लगी हुई है यहाँ पे, मतलब लुक की, मतलब आप लुक देखते हैं रेस्टोरेंट के, लुक देखते हैं आप पिघल जाएंगे। आगे आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नकली, अजी देखिए रस्सी है, ये रोक जूट है, ट्री बना हुआ है, ट्री नहीं ये मशरूम टाइप बना हुआ है। हाँ पर ऐसे रेस्टोरेंट की कराची में बहुत कम ही। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है यहाँ का मेन्यू, और मेन्यू में ज़्यादातर यहाँ पे श्रिम्प्स वगैरह यानी सारे सी फूड आइटम्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखें श्रिम्प्स, डम्पलिंग्स और भी बहुत सारे इसमें सी फूड आइटम है। तो बाकी रेस्टोरेंट का एटमोसफेयर आय हाय हाय हाय, जैसे कि देख सकते हैं ये आ रही हैं वेजीज, ये है शायद मेरे ख्याल से मशरूम और कॉर्न आ गया है। यहाँ पे अभी सूट लगने जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे जूसेस आ गए हैं, ये है लेमन और वो है स्ट्रॉबेरी। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारी टेबल, और टेबल में है ये मोमोज है, ये मोमोज है, ये है, ये क्या है, हेलो ये चिकन हो गई, ये अच्छा ये अभी ना ये कच्ची चिकन है सही, और ये आ गया स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहे स्वीट कॉर्न, ये आ गया बीफ, और बाकी वो रहे मशरूम्स, और वो रहा एक तरीके का सॉस। और अंची ये क्या है? एग नूडल्स, एग नूडल्स डालेंगे और फिर वो प्रॉपर तरीके से बनेगा और फिर हम खाएंगे। खुशबू कितने मजे की आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी आ रही है ना, बहुत अच्छी। और भाई जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा कैमरा करीब लो भाई, पैकेट में ना आपको ये चीज़ मिलती है और आप लोगों को फील हो ही रहा होगा क्या है। ये आ गए भाई चॉपस्टिक्स, इन्हें कहते हैं चॉपस्टिक, आप लोग पता नहीं चाइनीज़ बिल्कुल ऐसे करके यूं करके खाते हैं, जैसे भी खाते हैं यूं करके, तो उस तरीके की स्टिक है। तो अभी जैसे ही ये सब आ जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ जा रहा है। और ये रहा बॉइल्ड, और उसमें डाल लें बीफ, और गाइस ये सब इसमें डाल रही है। अच्छी क्या क्या डाल रही बताओ तो? अभी तक मैंने मशरूम डाल दी है, बीफ डाल दी है, चिकन डाल दी है, ये मशरूम्स हैं, डम्पलिंग्स भी डाल चुके हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, और मैं भी आपको दिखाता हूँ उसके बाद क्या। ये रहे बेबी कॉर्न्स, ये रहे बेबी कॉर्न्स, अच्छी बेबी कॉर्न्स डाल दिए हैं। माय गॉड ना मजे का बन रहा है, कुकिंग एक्सपीरियंस भी मिल गया है बिल्कुल। और गाइस ये आ चुका है हमारा सूप, और जैसे कि आप देख सकते हैं बीफ, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न जो है, और ये रहे मोमोस। मेरा फेवरेट था है मोमोस, तो मैं फर्स्ट खाऊंगा मोमोस, नहीं फर्स्ट बीफ खाऊंगा। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया ना वो आया है मोमोज में, मोमोज का एक अलग ही फ्लेवर है। हाय हाय, ये मशरूम है, ये टोफू है, टोफू क्या होता है, ये कुछ चीज़ टाइप होती है शायद, चीज़ टाइप होती है। और भाई जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बड़ी प्यारी ड्रिंक है, और ये रहे जॉन भाई हमारे साथ। जॉन भाई इस ड्रिंक का नाम तो बताना। ये जॉनी रॉकेट बेसिकली मेरे नाम पे ये ड्रिंक। अच्छा आपके नाम पे जी। और आपने बनाई ये ड्रिंक जी? अच्छा किस तरह की हुई ड्रिंक? ये स्पार्किंग मतलब ड्रिंक है, ये लेमनेड है।
गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी जॉन भाई साहब को मिलवाया, तो जॉन भाई ने बोला कि ये रिंग है जैसी स्पार्कलिंग कुछ बताया उन्होंने, तो मैं अभी आपको पीके दिखाता हूँ। आपने भाई देख लिया है ऊपर से किस तरीके का लुक दे रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर लगी हुई और बड़ा वही मजे का। ऐसा फ्लेवर आ रहा है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता भाई, सीरियस में बता नहीं पा रहा, बहुत मजे का फ्लेवर है, यकीन करें। चलो भाई पास हो गया, हल्का हल्का लेमन का फ्लेवर आ रहा है, बाकी फ्लेवर आ रहा है पता नहीं, मैं बता नहीं पा रहा कौन सा फ्लेवर है, लेकिन बड़ा मजे का फ्लेवर है। चल जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी हालत देख लें, आप बात करो। हाँ भाई अब्दुल हादी की हालत तो बहुत ही खराब हो गई है, फुल रेड लिप्स हो रहे हैं और फुल आंखों में आंसू आंसू है, ये अभी कुछ भी नहीं है, ये अभी हमने कहते माइल लिया है, माइल लिया ये वाला ब्रॉड कहते हैं ना, हाँ हाँ ब्रॉड बिल्कुल, हमने माइल्ड लिया है अभी, तो ये हालत है और अभी ना मीडियम है ना स्पाइसी है, तो पता ही नहीं है कि स्पाइसी होता कैसा है, ये हालात है। और भाई बता दो एसिडिटी वगैरह कुछ सीन नहीं है, हाँ कब से खा रहा हूँ, घर से भी मिर्ची खाता हूँ, सब में होता है ऐसा, बल्कि से मिर्ची खाते हैं तो सीना जलने लग जाता है, बिल्कुल नॉर्मल ऐसा लग रहा है, कुछ ठंडा ठंडा खा रहे हैं, लग रहा है ना, सिर्फ हमारा मुँह जल रहा है, मुँह जल रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस भाई अभी ड्रिंक मंगवाते हैं, ड्रिंक पे ड्रिंक आ रही है यहाँ पे। गाइस इन द एंड ऑफ द व्लॉग, अभी मैंने ये मंगाया है, क्या कहते हैं लेमन कोई ड्रिंक है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, और इसमें हल्का हल्का ना हनी का फ्लेवर आ रहा है बड़ी कोई जानदार, और जब आपको पता है स्पाइसी खाते हैं आपको नीड होती है कि भाई आप ऐसी कोई जानदार कोई कड़क डिश, वो क्या कहते हैं जूस बेवरेज, और मैंने मंगवाया है मॉकटेल पीच आइस टी, और पीच आइस टी बहुत ही कोई मजेदार है, यानी ऐसा लग रहा है कि मजा आ गया, कॉम्बो बन गया हमारे खाने का, इसमें भी लेमन है, लेमन तो लेमन है इसके अंदर, और बहुत ही जी मैंने मंगवाई थी, आप बताओ अच्छे नहीं होंगे ये, जी जी अरे करना पड़ता है व्लॉग स्क्रिप्ट, हां भी बना करना पड़ता है वैसे, क्या मतलब है? चलो बताओ जी को तो जल्दी से, हां बहुत अच्छी है, बहुत यम है, सुकून मिल गया, वो इतना स्पाइसी था, स्पाइसी के बाद अचानक से ठंडा और बहुत मजेदार है। चलते हैं भाई इस व्लॉग के इख्तिताम के लिए, तो अंजी आप थोड़ा सा बता दो कि लोग सब यहाँ पर आए और बिल्कुल यहाँ का खाना बहुत बहुत अच्छा है, बहुत यम्मी, और हम और भी जगह पे बहुत सारे गए, आज बल्लू थोड़ा सा कम था तो बल्लू भी थोड़ा सा बताएं, चॉपस्टिक्स बहुत हाई ले ली क्यों, और ये हाँ हम लेके गए घर पे, यहाँ प्रैक्टिस करेगा, पसंद नहीं चॉपस्टिक्स से, आज बल्लू ने चॉपस्टिक्स से खाया, मुझे खाना आता है लेकिन मैंने यूं ही, आज हम लोग करते हैं इख्तिताम इस व्लॉग का, आज नहीं अब करते हैं इख्तिताम, बता दो तो क्या होता है, एंड एंड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मेरे चैनल हादीन को सब्सक्राइब करें, बड़े दिनों बाद व्लॉग आया, अगर आप लोगों ने अच्छे इस पे क्या बोलते हैं कमेंट्स अच्छे किए और हाँ व्यूज लाइक्स अच्छे आए, तो फिर सब्सक्राइब नहीं करना, तो बस फिर हम नेक्स्ट व्लॉग भी बनाएंगे, कब बिल्कुल, फिर अंशिया में लेके जाएगी विंटर लैंड इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सही है, अगर अगर व्लॉग पे 400 व्यूज आए तब पक्का पक्का हो गया, अल्लाह हाफिज़।